उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के कुनरकी थाना इलाके के गांव जेतपुर पट्टी में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव में एक बुजुर्ग की उसी के घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल थाना इलाके के रहने वाले मुख्तियार पुत्र गुलजारी अपने घर की दूसरी मंजिल पर सो रहा था। गुलजारी के पुत्र का आरोप है कि देर रात्रि कुछ लोग घर में घुस आए जिन्होंने पहले घर में लूटपाट की और फिर बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक के पुत्र का आरोप है कि मृतक की बहू से काफी दिन से पैसे का विवाद चल रहा है। कहा जा रहा है कि मृतक के बेटे की बीमारी के चलते मौत हो गई थी जिसकी विधवा पत्नी घर में हिस्से की मांग को लेकर विवाद करती थी। हाल ही में कुछ दिन पहले भी मारपीट हुई है। आरोप है कि देर रात्रि उसकी भाभी के घर वाले घर में घुस आए और उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों की तरफ से तहरीर ली जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। निजामुद्दीन नाम है। क्या हुआ था? रात हम 3:30 बजे उठे थे तो हमारे कमरे की अलमारी के ताले टूटे हुए थे, संदूक के भी ताले टूटे हुए थे। मैंने अपनी अम्मा को उठाया 3:30 बजे को, मैं चोर भर के दिखाया घर में। हमने जो दुन मचाया तो अम्मा बोली बुड्ढों को उठा गया, मैं बुड्ढों को गए उठाने तो बुड्ढों की उनकी गर्दन कटी पड़ी थी। मैंने उनका हाथ भी छू कर देखा था और क्या कहें, मैं सिर पर भी हाथ धरा, मैंने पेट पर हाथ धरा, उनमें कुछ दम ना था। फिर मैंने मस गए अब्बा ऐसे से बात, उनकी गर्दन कट गई। किसने काटी है? ये सलीम ने काटी है। सलीम है, उसके लड़के हैं भूरा और आसिफ और कासिम। सबका पुराना विवाह चलता आ रहा है सब 11 साल से। ढकिया के चमन ढकिया के सामान लेगा, जेवर लेगा सब। अभी शादी करी हमने, 3 महीने हुए शादी। विवाद ये था, उसकी था विवाद दहेज के। सुबह आज लगभग 5 बजे के करीब पुलिस स्टेशन कुंदरकी में सूचना मिली कि जैतपुर पट्टी गांव में एक व्यक्ति है जिनका नाम है मुश्ताक, लगभग करीब उम्र है 60 वर्ष, उनके घर में ही किसी ने उनका मर्डर कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने सारे चीज़ों को देखा और उसके बाद जो मृतक है उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा अभी दर्ज कर लिया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हत्या के पीछे की वजह क्या है सर? हत्या की वजह जो उनके घर वालों से पूछताछ की सकी तो उनका शक अपनी भाभी पर है जो उनके बड़े भाई की वाइफ थी। उनके बड़े भाई की डेथ हो चुकी है तो उनसे कई दिनों से उनका पारिवारिक विवाद चल रहा है, तो उन्होंने उनकी भाभी और उसके परिवार वालों के खिलाफ तहरीर दी।